नमस्कार, मैं स्नेहा, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। संसद के बाद अब कृषि बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, विपक्ष की अपील बेअसर। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सियासी पारी शुरू, जेडीयू में हुए शामिल। लखनऊ में डबल मर्डर केस का नया खुलासा, रेलवे अफसर की लाइसेंसी गन से चली थी गोली। जम्मू कश्मीर पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया दो आतंकी, मुठभेड़ जारी। चीन के खिलाफ लद्दाख में तैयारी, सेना ने एलएसी के पास T-90 और T-72 तैनात किए, ये -40 डिग्री टेम्परेचर में भी दुश्मनों पर निशाना साधने में सक्षम है। एनसीबी के सामने दीपिका का इमोशनल कार्ड, पूछताछ के दौरान 3 बार रोई दीपिका पादुकोण, अधिकारियों ने हाथ जोड़कर कहा सच बताएंगे तो बेहतर होगा। राजस्थान में टीचर भर्ती में आरक्षण की मांग, 4 दिन से हिंसक प्रदर्शन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के फैंस का इंतजार खत्म, नवरात्रि से पहले हो सकती है दयाबेन उर्फ दिशा वकानी की वापसी। कोरोना के बीच खत्म हुई एक और बड़ी परीक्षा, देश भर में 1150 केंद्रों पर हुई परीक्षा, एग्जाम के बाद कैंडिडेट्स ने दिया मिला जुला रिएक्शन। फौज आएंगी बिहार, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बिहार आएंगी सेंट्रल आर्म फोर्स। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज प्लस 24। नमस्कार।